मुरैना जिला के जोरा विधानसभा क्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में वृक्षारोपण हरि सिंह कुशवा द्वारा अभियान 2 अक्टूबर से चलाया जा रहा था, जिसमें जोरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी गांव में पहुंचकर वृक्षारोपण किया गया, ताकि गांव में वृक्ष लगाकर छाया और खुशहाली बनी रहे और ग्रामीणों को ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा से मिल सके। आज दिनांक 2 तारीख को जोरा गांधी पार्क में समापन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विधायक राकेश महावीर, राजेंद्र यादव, भानु प्रताप, हरि सिंह कुशवा एवं सभी कार्यकर्ताओं ने भी वृक्ष लगाए गए। आपको मनुष्य के शरीर के लिए ऑक्सीजन बेहद जरूरी है। देखिए, निश्चित तौर पर हमारे किसान कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री हमारे हरि सिंह कुशवा जी ने 1.5 महीने पहले पार्टी का झंडा लेकर एक वृक्षारोपण की एक शुरुआत पहाड़गढ़ से, अब वो संपूर्ण जोरा विधानसभा में के गांव में होते हुए आज हमारा जोरा में ये हमारे गांधी पार्क में उन्होंने वृक्षारोपण मेरे द्वारा कराया और इसकी एक समापन आज किया। निश्चित तौर पर वृक्षारोपण हमारे जीवन के लिए बहुत लाभदायक है और कई मात्रा हमारे जीवन का महत्व अंग है, क्योंकि वृक्ष जहाँ वृक्ष ज़्यादा रहते हैं, जहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा रहते हैं, वहाँ बरसात भी अच्छी होती है और बरसात जब अच्छी होगी तो हमारा निश्चित तौर पर हमारा वाटर लेवल पानी का सही बढ़ेगा, जो हमारे पीने के लिए और किसानी के लिए आता है। और जहाँ पेड़ पौधे नहीं होते हैं वहाँ बरसात कम होती है और बाद में आती है। तो इस प्रकार का जो पार्टी का झंडा लेकर उन्होंने जो काम किया है, एक पार्टी के झंडे से एक संदेश देने का काम किया है जनता के बीच में, एक सराहनीय है। और आज उन्होंने समापन किया है और इस अवसर पर हम सब लोग एकत्र हुए और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश का जो रिजल्ट उपचुनाव पर आ रहे हैं और उस मध्य प्रदेश में जो बैठी हुई चुनी सरकार है, जिस प्रकार से जनता के मत का अधिकार छीनकर अपने कर्मचारियों के, अपने शासकीय शासन प्रशासन के अधिकारियों से जिन्होंने वोट का काम किया है, वो तो बहुत निंदनीय है। आपने देखा होगा मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, के पोलिंगों पर कोई जनता का व्यक्ति नहीं, पुलिस उनको भगा रही थी और वो लोग उस पर भग गए। ये लोकतंत्र का खतरा है और निश्चित तौर पर ऐसी सरकार अगर रही तो मुझे कहने में कोई वो नहीं है कि केंद्र में हो चाहे प्रदेश में है, ऐसा वक्त वो कभी आने वाला कि कभी चुनाव की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हालात उस ओर की ओर जा रहे हैं, उस रास्ते की तरफ जा रहे हैं जहाँ ये ऐसा करने की योजना है और निश्चित तौर पर जनता के अधिकार का उपयोग होना चाहिए। मुझे भरोसा है कि चाहे वो प्रदेश में बैठी हुई सरकार हो चाहे केंद्र में बैठी हुई सरकार है, जनता इनको जवाब जरूर देगी। लेकिन वक्त है, आज 2023 में प्रदेश में सफाया हो गया भारतीय जनता पार्टी का, 24 में केंद्र से सफाया हो जाएगा। जिस प्रकार से ये डीजल और पेट्रोल की जो रेट हैं वो आसमान छू गई हैं, खाद की किल्लत है, पूरे किसान तरसते हैं, लेकिन उनका तो बस ये है कि धन और बल के आधार पर खरीद फरोख्त करना और अपनी बढ़ोतरी करना, अपनी सरकार को चलाना। इसमें आपने कार्यक्रम हमारे 2 अक्टूबर से जोरा विधानसभा के प्रत्येक गांव ग्राम पंचायतों में हमारे सभी साथी और हमारे सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के सहयोग से हम सैकड़ों गांवों में वृक्षारोपण करते आए और आज हमारा कार्यक्रम का समापन किया गया। इस कार्यक्रम समापन में माननीय हमारे कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष राकेश महावी जी, विधायक आदरणीय हमारे मुरैना से है और हमारे वरिष्ठ सभी कांग्रेस के पदाधिकारी भी आए और हमारे सभी कार्यकर्ता उपस्थित हुए। आज का कार्यक्रम समापन का कार्यक्रम किया गया। मुरैना से गौरव गोड़ की रिपोर्ट।